जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाँ, मैं देख रहा हूँ तो आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूँ, मैं भी एक्स मुस्लिम हूँ और जो है मुझको जो है इस्लाम छोड़े हुए 10 ईयर्स हो चुके हैं, है ना। और तो ये मैं वही देख रहा था भाई, मैं तो सुनता था कि मोहम्मद इतने अच्छे इंसान थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने जब से आपकी स्ट्रीम देखी तो मेरी काफ़ी आंखें खुल गई, मतलब ये सब देख के। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना सब कुछ है गलत इस्लाम। मैं तो सोचता था कि ये बहुत अच्छा ही कहलाता है ये रिलीजन, है ना। यार आपकी चक्कर में मुझे मेरा फैन स्लो करके आना पड़ा है, फिर भी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हाँ जरा अपना अब सही आ रही है। अरे जब बोलते हो तो बीच में फिर खत्म हो जाती है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, यहाँ पे पता नहीं कि माइक की वॉल्यूम कम हो जाती है ना। अच्छा तो आप सही आ रही। हाँ तो मैंने आप लोग को जो है देखा था, आप लोग का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है अगर जो नजर आ रहा है। हाँ, कि आपने 10 साल पहले इस्लाम छोड़ा है। हाँ 10 ईयर्स हो गए एग्जैक्टली। यस, उससे पहले आप क्या पक्के वाले मुसलमान थे, कैसे वाले थे? पक्के थे, फुल पक्के थे, एकदम फुल पक्के थे। नमाजें वमाजें पढ़ते थे? उस टाइम नमाजें पढ़ते थे हम, और क्या बोलते हैं, मुझे नमाजें भी पढ़ते थे और क्या बोलते हैं जो खुतबा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो खुतबा उतबा नहीं होता जो ले जाते हैं मस्जिद में और वो दावा देते, वो सब भी करते थे। तो वो सब करते थे। तो मुझे लगभग आयतल कुर्सी सुना है, चलिए ठीक है आयतल कुर्सी सुना देते। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. جی درود ابراہیمی یاد ہے؟ दरूद इब्राहिम मुझे ना याद नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। वैसे आप उनको बता दी शुरुआत कैसी होती है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम वला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद, यही है ना। कुछ भाई ये बताइए, तयम्मुम में कुल्ली कितनी दफा करते हैं? तयम्मुम में कुल्ली 3 दफा करते हैं। नाक धोते हैं और कान धोते हैं और पैरों को साफ करते, उंगलियों को और अंगूठे से कानों के चारों तरफ फेरते। ये मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि मुझको नमाज नहीं, सिर्फ कुल्ली का मैंने पूछा था। 3 बार कुल्ली, 3 बार 3 बार। तयम्मुम की बात करते हैं कि वजू की बात? तयम्मुम तो शायद मिट्टी से भी हो जाता है ना। जबरदस्त, चलिए आपने सही कहा, चलिए पास हो गया होता है इसलिए। हां मैं भी कहने वाला था भाई साहब, वही मैं कहने, अरे मुझको याद आ गया ये भाई। मैं तो वैसे तो मैं अपनी ज्यादा जानकारी दे नहीं सकता, है ना जी। तो मैं वो कौन कहां से हूं, ये मेरा नाम। साल पहले तो इंटरनेट तो इतना सोशल मीडिया में नहीं था, तो क्या हो गया था कि आपने छोड़ दिया? क्योंकि तब तो एक्चुअली मैं जानता भी नहीं था एक्स मुस्लिम होते भी। मुझे लगा था कि मैं ही अकेला हूँ पूरी दुनिया में, और जो है तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी थी इसमें, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था जब मैं यहाँ पे आया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक्स मुस्लिम बना तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि यार सब लोग इतने अच्छे लोग हैं दुनिया में, सब लोग बराबर से एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसा खाते हैं, तो सब से मुसलमानी क्यों जन्नत में जाएंगे और ये लोग
वो सिर और ये सब जितने भी नॉन मोमिन हैं, जितने भी वो भी तो अच्छे हैं, वो लोग क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो मुसलमान नहीं, सिर्फ इस वजह से। ये मुझे चीज़ दिमाग में मेरे खटकती थी कि जो है, एक तो मुझे अनफेयर लगता था ये रिलीजन, है ना। हाँ। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक तो अनफेयर लगता था, दूसरी ये चीज़ थी कि यार इतने अच्छे अच्छे महान लोग आए चले गए, जैसे आइंस्टाइन हो गए, ये सब हो गए, जो जिनको ईमान का हम भी नहीं जानते थे, तो वो सब लोग जो है जहन्नुम में चलेंगे, और ये सब इतने जो है, इतनी जो है क्या बोलते हैं, गुनाह करे जा रहे हैं, लौंडिये बना रहे, जो जो कि हमने आपके स्ट्रीम सुना, और जो है ये सब कर रहे हैं, तो ये सब पूरी जिंदगी जो है गुनाह करने के बाद एक तौबा बोलेंगे या कोई ऐसी दुरूद पढ़ लेंगे जिससे पेड़ों के जितने पत्ते हैं वो सब झड़ जाएंगे, इतने गुना माफ हो जाएंगे, आखिर में ये बोल के जन्नत चले जाएंगे। और सब जितने नॉन मोमिन है वो जो है इतना अच्छा काम करके इंसानियत के लिए करके गए, जो शहीद होके गए हैं, वो जन्नत में जाएंगे, वो जहन्नुम में जाएंगे, ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। एक चीज़ तो मुझे ये बहुत अनफेयर लगता है। दस साल पहले ही आपको ये समझ में आ गया था? ये बिल्कुल समझ में आ गया था, ये तो मैं अपने घर वाले सुनता रहता था वही, तो 10 साल पहले। और हाँ, मैं 10 साल पहले चिल्ला इल्ला वगैरह भी लगाया था ना मैंने, हाँ उसमें भी समझ में आया था। 10 साल मैंने 3 दिन का चिल्ला लगाया, 40 दिन का लगाया, और जब मैंने 40 दिन का जब चिल्ला लगाया उसी के बाद मैंने जो है इस्लाम छोड़ा था। अरे वाह, समझ रहे, ये तो जबरदस्त है यार, जल्दी आप निकल गए जंजाल से, खुश है? और क्या? अरे बहुत खुश है सर, क्या बताए, कम से कम जो है, अरे कम से कम यार, ये लोग जो दिमागी अपंग लोग है जैसे आप लोग कहते हैं, उससे तो बाहर निकले, क्योंकि उस टाइम हम साइंस में भी बिलीव करते थे, है ना, और इंसानियत भी बिलीव करते थे, क्योंकि हम इंसानियत को जो है प्राइमरी रिलीजन मानते हैं, इंसानियत को हम जो सबसे ऊंचा रिलीजन मानते, उसके बाद जो आता वो आता है, तो हम ये मानते थे, है ना। तो इंसानियत में यह है कि आपको पहले प्राइमरी जो है इसमें यह है कि आपका ईमान है, फिर उसके बाद जो है नेशन है या इंसानियत है, फिर आता है ये। इसमें इंसानियत का मुझे कोई स्कोप तो नज़र नहीं आता, क्योंकि काफिर नॉन मोमिन के लोग काफिर कहते थे कि तुम्हें तो जहन्नुम की जहन्नुम को सुलगाने के लिए बनाया गया लकड़ी की तरह, चाहे वो जितना जो है कर ले, और मोमिन बस एक या दुआ पढ़ेंगे और जो है 2-3 रकात, मतलब 4-5 दुआएं पढ़ेंगे और तौबा करेंगे, जन्नत चले जाएंगे, और उनको 72 मुई मिल जाएगी, और भाई डिंगी डिंगी करेंगे जैसे आप लोग होते हैं। और ये लोग जो है इतने अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में, तो वो सब जहन्नुम जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो है ये है कि भाई, पहली चीज़ तो जो है अल्लाह ताला जब इतना ही जो है इतने लोगों से क्या बोलते हैं अपने बंदों से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर यार ये सब कर क्यों रहा है, ये नहीं समझ में आता, दुनिया ही में क्यों कर रहा है, तो क्या बोलते हैं इतना गलत हो रहा है, रेप हो रहा है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे किसी से कि जो है रेप करवा क्यों रहा है, वो चाहे तो रोक भी सकता है ना, उसके बाद तो इल्मे गायब है कि नहीं। तो जो रेप हो रहा है उसको रुकवा भी सकता है, लेकिन वो नहीं रुकता है, क्योंकि वो आजमा रहा है, बताइए लोगों के ऊपर गलत हो रहा है, ये सब क्राइम हो रहा है, ये सब आजमाने के लिए कर रहा है सबको, और कह रहा है कि जो उसका जो अर्जा है वो जो है जन्नत में मिल जाएगा अगर वो आजमाइश पूरी हो जाती है। और क्या बोलते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं जिसको मुझे गलत लगी। और अच्छा, मैं एक क्वेश्चन था, मैं अपनी मम्मी से मैंने आज पूछा, मेरे दिमाग में डाउट आया था कि मेरे दिमाग में ये डाउट आया था कि जो है क्या बोलते हैं कि ये मोमिन लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब क्या बोलते हैं जब कोई गुनाह करता है तो क्या कह रहे थे ना, हाँ तो क्या बोलते भाई, भूल जाते हैं बीच-बीच में। अरे हाँ, वो सॉरी, मेरा जो है दरअसल गला सूख रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे पहली बार आए ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं कोई नहीं हाँ वही, तो मेरे ये डाउट में था कि जो है क्या बोलते हैं कि यार जब कोई मोमिन
गलत काम करता है तो उसके साथ कुछ गलत होता है, कोई जो नॉन मुस्लिम है उसके साथ गलत होता है तो वो बोलते हैं कि उसके ऊपर अजाब आया हुआ है ना। और क्या बोलते, और जब कोई मुस्लिम जो है कोई गलत करता है तो वो उसमें ये आता है कि वो आजमाइश में, उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो आजमाइश में, और जो जो नॉन मुस्लिम होता है वो गलत करता है तो वो कह देते हैं कि जो है उसके ऊपर अजाब आया हुआ, मतलब ये क्या दोगलापन है। ये बिल्कुल दोगलापन है और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, ये बिल्कुल 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 दोगलापन है मोमिनों का कि भाई अगर मोमिन पे कुछ परेशानी आई तो उसको वो टेस्ट मान कह देंगे, और काफिरों के ऊपर कुछ आया तो उसको कह देंगे कि अल्लाह का अजाब। इतने चालाक होते हैं ना ये कि भाई अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी नया कॉन्सेप्ट निकाल दो, कुछ भी बोंगी मार दो। हाँ तो मैंने ये अपनी अम्मी से क्वेश्चन पूछा कि जो है ये ऐसा क्यों, तो यार कैसे पता कैसे चलेगा कि ये आजमाइश है कि ये अजाब है। तो मेरी अम्मी ने पता क्या जवाब दिया, वो कह रही है कि अगर वो जो है इबादत करता होगा, वो नमाजें पढ़ता होगा तो वो जो है वो आजमाइश में, अगर उसके साथ गलत होगा। अगर वो इबादत नहीं करता है, वो खुदा को नहीं मानता है, वो दूसरे खुदा को मानता है तो वो उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो ये इस बात का एविडेंस है कि वो अजाब में। ये उन्होंने जवाब दिया, ये इनका जो है पूरी एनालॉजी है इस्लाम की। अगर वो मुस्लिम है और वो अगर उसके साथ गलत हो रहा है और वो अच्छे, वो इबादत कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो आजमाइश में है कि नहीं, और वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना जो है सर झुका रहा है अल्लाह के आगे, वो क्या जो है मोमिन वाली चीजें कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, लोगों गरीबों को खाना खिला रहा है और उसकी देखभाल कर रहा है, मतलब पूरी इंसानियत के लिए पूरी अपनी जान कुर्बान कर दे रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है तो वो अजाब में है क्योंकि वो नॉन मोमिन है और वो अल्लाह को नहीं मानता। इस बेस पे उनका जजमेंट चलता है, ना कि अच्छाई और बुराई के बेस पे, गुड सिन और बैड सिन के ऊपर जजमेंट है। हाँ वही वही मैं। अच्छा अपने क्या नाम है आपका, रेजा साहब। हाँ रेजा साहब ये बताइए कि ये 10 साल से आप मुर्तद है तो किसी को पता है या छिपे हुए है? एक्चुअली सर को जो मुर्तद है वो किसी को नहीं पता, और जहाँ तक कि कॉलेज तक में जब मेरी अटेंडेंस लगती थी तो उसमें भी किसी को नहीं पता। अरे अपना ओरिजिनल नाम वो सब ना बताओ भाई। हाँ तो मतलब किसी को पता ही नहीं, आप छुपे हुए एक्स मुस्लिम हो? हाँ जब ये एक चीज़ था कि कुछ लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया, क्योंकि जब मैं लॉकडाउन में नमाजें नहीं जा रहा था तो कुछ लोगों को हो गया हो कि भाई इसका ईमान टूट चुका है, तो ये नहीं पता कि एक मुस्लिम हुए नहीं, वो यही समझ रहे हो सकता है कि मेरा ईमान टूट चुका है, ईमान कमजोर हो चुका है इस वजह से, है ना। मैंने ये तो किसी को जाहिर किया नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ, है ना। घर पे भी पता है क्या? नहीं पता है। नहीं पता है चाचा, किसी को नहीं पता। तो फिर आगे की लाइफ आप कैसे गुजारोगे जब आपकी शादी वादी होगी? नहीं मैं किसी से नहीं डरता भाई। देखिए पहली चीज़ तो मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ वो इंडिपेंडेंट है और ये शरिया यहाँ पे लागू नहीं है, तो मुझे डर इस बात का है नहीं। और मैं जब शादी वगैरह करूँगा तो इंडिपेंडेंट ही करूँगा और जो है रहूँगा भी इंडिपेंडेंट। हाँ तो मुझे भाई फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ ये सब कर देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा दुआ मांग ली साथ में, या ये कर दिया कहीं चले गए, कल्चरल जो इवेंट होता है उसमें हमारे रेजा साहब को जो है ये सलूट है हमारे तरफ से, और जितने लोग देख रहे हैं रेजा साहब के लिए एक गुलाब का फूल जरूर भेजे यार, चाहते हैं कि जैसे रेजा साहब ने ये ठाना है कि वो जी। और एक चीज और है, एक चीज हमें समझ नहीं आई, तो ये एक चीज समझ नहीं आई, ये लोग जिजिया क्यों लेते हैं? जिजिया का क्या जिक्र है? हमने ये सुना था कि ये लोग टैक्स लेते हैं मूवी नॉन मूवी से। अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट जो यहाँ के लोग, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है इंसान लोगों से, तो उस टैक्स का उन्हीं को ही फायदा देने के लिए लेती है, उनके लिए रोड्स बनाती है, फैसिलिटी देती है, एजुकेशन स्कूल। तो इन लोग का क्या टैक्स का चक्कर है कि अगर वो नॉन होमिंग? अच्छा तो ये मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। सबसे पहली बात आप ये बताओ कि आज तक आपने कोई भी ऐसी कंट्री देखी है
जो आपकी आइडियोलॉजी, आपके फेथ या आपके रिलीजन के बेसिस पे आपसे टैक्स लेती हो? हाँ, कसम से नहीं देखी मैंने। हाँ, ऐसी मतलब कोई आइडियोलॉजी। और दूसरी चीज, फायदा किसका हो रहा है नॉन मुस्लिम? नहीं, वो भी उनका ही। बात समझो, पहले बात समझो, रेजा साहब बात समझो, क्या कह रहे हैं। हाँ, समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टैक्स कभी भी रिलीजन के बेसिस पे, फेथ के बेसिस पे नहीं होता है। टैक्स कभी भी इनकम के बेसिस पे होता है। ठीक है, सही है ना। यहाँ पे ये जो मोमिन हजरात है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इसको टैक्स का नाम दे दिया। ये टैक्स नहीं है, ये हफ्ता वसूली है। हफ्ता वसूली इस तरीके से है क्योंकि आप देखिए कि जो तफसील लिखने वाले हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भाई ये जिजिया जो है, ये जजा वर्ड से निकला हुआ है। ठीक है, ये इसलिए है कि भाई हम आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह ने क्या सिखा के गया कि आपने तीन ऑप्शन देना है, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या आप जिजिया दो, या आप जंग लड़ो। तो चूंकि आप इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो और हम आपकी जान बख्श रहे हैं, इस वजह से इसके बदले में हम आपसे जिजिया ले रहे हैं। और यही चीज इन्होंने लॉन्ड्रियों पे भी लागू किया कि हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, इस वजह से हम तुम्हारा जिंदगी भर रेप करके वसूलेंगे तुमसे। लॉन्ड्रियों का जो इन्होंने किया, शायद ये भी इनका यही साइकोलॉजी है इसके पीछे। हाँ, तो आप समझिए, तो जिजिया को टैक्स कभी नहीं बोलो। हाँ, सही बात है, ये तो वसूली होगी क्योंकि उनका गुनाह ये है कि वो नॉन मुस्लिम है। हाँ, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। हाँ, तो आप चूंकि आपको जिंदा छोड़ रहे हैं, तो इसके बदले आपको जो है वो हफ्ता वसूली देना पड़ेगा। हाँ, और जो रियल टैक्स होता है, अच्छा जो रियल टैक्स होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो है, जो फ्री में हम लोग को जैसे रोड यूज कर रहे हैं, जो फ्री में जो चीजें यूज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट हम लोग का है, तो उनकी सैलरी पे करने के लिए जो सरकारी सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी यूज होता है वही टैक्स का। और हम लोग को वही सुविधा जो हम लोग फ्री में यूज कर रहे हैं, वो वापस रिटर्न में देने के लिए होता है। हाँ, वो रिटर्न में वापस मिलता है टैक्स, जो भी जीएसटी लगता है, तो वो भी हम लोग को फैसिलिटी के जरिए या जो भी हम लोग फ्री का सुविधा इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो वो उस चीज का लगता है, ना कि वसूलने का होता है। बिल्कुल, तो जिजिया बहुत फर्क है। हाँ, वही मैं कहना चाहूंगा। और तो रेजा साहब, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। हाँ, और आपने अपनी बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको वंस अगेन इस जंजाल पहले निकलने के लिए, और खुश रहें, और खुद भी अच्छे से रहें, दूसरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। और मेरे कोई क्वेश्चन और पॉइंट होगा, मैं जरूर इंशाल्लाह दोबारा पूछूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर। ओके।